गेमर्स, आई एम बैक विद अदर वीडियो। तो गाइस हमारे स्कारफॉल के अंदर यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है काफी टाइम के बाद, एंड ये जो अपडेट अभी बीटा वर्जन के अंदर है, तो आप लोगों को अगर ये अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे बीटा वर्जन यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप बीटा वर्जन ज्वाइन करोगे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, 92 MB का यहाँ पे अपडेट है। तो बट अभी अपडेट मत करने लगे यहाँ, क्योंकि यार अपडेट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो आगे बताऊंगा आपके इस वीडियो में। तो फटाफट देख लेते गाइस क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो हमारा अंडमान मैप है इसके अंदर कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, एंड उसके अलावा बग फिक्स किए गए हैं, एंड जो है अंडमान मैप का जो मिनी मैप है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है, लैग फिक्स किया गया है, एंड बाकी सारे जो क्रैश वगैरह फिक्स किए गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह है उनको यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, जो कि जो हाई ग्राफिक्स है उनके अंदर ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमारे जैसे लोग जो लो एंड डिवाइस यूज करते हैं भाई, उसके अंदर यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने SF 2.0 की, तो यहाँ पे SF 2.0 रिलेटेड भी एक यहाँ पे छोटी सी न्यूज है जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फटाफट से अपने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैनल पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर से कर देना। तो हम लोग आ चुके हैं अपने गेम के अंदर। जैसे आप लोग यहाँ पे अपना गेम खोलोगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बैनर नजर आएगा जिसपे लिखा होगा स्कारफॉल 2.0 सब्सक्राइब फॉर अर्ली अल्फा एक्सेस। तो गाइस इसका मतलब है जल्दी हम लोग को यहाँ पे जो अल्फा वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे आप गेम के अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पे भी नीचे लिखा होगा लेफ्ट साइड में SF 2.0 सब्सक्राइब नाउ। तो जैसे इन पे सब पे क्लिक करोगे भाई ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट कर देगा। पहले मुझे लगा था कहीं गाइस यहाँ पे फॉर्म वगैरह तो नहीं दे दिया, बट मेरे हिसाब से अभी तो फॉर्म यहाँ पे नहीं आया, ये आपको जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे डायरेक्ट कर देगा जो कि स्कारफॉल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। गेम के अंदर मैंने चेक किया तो यहाँ पे जो आउटफिट वगैरह है वो अभी परमानेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं, और होपफुली यहाँ पे देखने को हमको मिल जाएंगे। और बाकी सारी चेंज जो लॉबी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताई दिया था, बग वगैरह फिक्स हुए हैं, ग्राफिक्स इंप्रूव हुआ है, एंड अनबार मैप के अंदर भी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा एक गाइस बहुत ही बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जो कि आगे आप लोग वीडियो में देखने पता चल जाएगा। तो फटाफट से अपने यहाँ पे गेम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने गेम के अंदर, आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो अभी ग्राफिक्स है वो है मीडियम ग्राफिक्स, जो कि मेरे फोन के अंदर जो है मैक्स है अभी, मतलब जो मेरे फोन में इतने ग्राफिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड इनके अंदर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे लो एंड डिवाइस है उसके बाद भी आप लो ग्राफिक्स में खेलते हो तो आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे जो गेम है थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है। तो ब्लरनेस अभी तो यहाँ पे कम नहीं हुई है, बट जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जो कलर है वहाँ पे थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। और जो मेन चीज हुई है वो है गाइस यहाँ पे हाई ग्राफिक्स हुआ है, वो मैं अपने दूसरे फोन में यहाँ पे चेक करूंगा, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर यहाँ पे हाई ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता है। जितने भी मैक्स ग्राफिक्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लैग वगैरह की बात करें तो यहाँ पे लैग तो थोड़ा बहुत फिक्स हुआ है, मतलब जो FPS है थोड़े बहुत बढ़े हैं, बट यहाँ पे बीच बीच में गेम अटक रहा है, बार बार झटके ले रहा है, यानी कि कभी कभार जो होता है गेम चलते एकदम से रुक जा रहा है, वो जो पहले नहीं होता था। तो ये सारे मेरे हिसाब से बीटा वर्जन की वजह से हो रहा है, जो होपफुली फाइनल वर्जन आएगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो फिक्स हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने नहीं देखा नोटिस किया हो तो भाई कर लो, यहाँ पे जो मैं गेम खेल रहा हूँ तो भाई गन्स के बाद जो हमारा माइक का सिस्टम है वो वहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब गाइस ये यहाँ पे रिमूव हो गया है तो इससे यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब आपने यहाँ पर टीममेट से आप लोग बात वगैरह यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे जो है आप लोग अभी तो मैं जो बंदा जो मैं गेम खेल रहा हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, जिन लोगों के पास ये वाला अपडेट नहीं है तो वो लोग अगर टीम के अंदर होंगे तो वो तो बात कर रहे होंगे, बट मेरे पास यहाँ पे माइक का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो लॉबी लगी हुई है वो पुराने यहाँ पे जो अपडेट है उसके साथ ही यहाँ पे लगी हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे रिमूव कर दिए गए। अभी गाइस ये फाइनल वर्जन में यहाँ पे फिक्स होकर आएगी या फिर यार ये धोखे से रिमूव हुई है इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता चलेगी तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो आप लोग देख लो गाइस इसको आपको अपडेट करना है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से गाइस अभी अगर आपका लो एंड डिवाइस है थोड़ा बहुत अपडेट कर लो, बट आपका जो माइक है वह चला जाएगा, बट आपका जो लैग वगैरह है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस ऑलरेडी लाइक 3 GB RAM है, गेम सही चलता है, तो मत करना अपडेट, क्योंकि फिर आपका माइक का ऑप्शन भी यहाँ पे गायब हो जाना है, जो कि ठीक नहीं रहेगा, फिर आप लोग यहाँ पे गेम वगैरह नहीं खेल पाओगे। और हाँ, अगर माइक का ऑप्शन गायब हुआ तो एक प्रॉफिट भी है जो मैं क्या बता देता हूँ, जिन लोगों के गाइस यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती थी, कहीं उनके जो है वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही गेम की, या फिर जो है गेम की साउंड नहीं आ रही, तो या फिर उनकी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी माइक ना होने के कारण, क्योंकि ये ज़्यादातर इसलिए होता था गाइस कि जो हमारा माइक है उस वजह से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाते थे। एंड जो अगर आप लोग स्ट्रीम वगैरह भी करोगे तो आपकी भी साउंड एंड जो गेम की साउंड दोनों अब स्ट्रीम पर जाएगी, क्योंकि गेम के अंदर अब यहाँ पे माइक नहीं है। तो ये था गाइस आज का यहाँ पे अपडेट, होपफुली आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।